Let me read the question. The conducting ring is placed near a solenoid, as shown in figure. Find the direction of the induced current in the ring. Part A, at the instant the switch in the circuit containing the solenoid is closed. After the switch has been closed for a long time, at the instant the switch is opened. So, हमारे पास एक solenoid है, ये solenoid की turns है, ऐसे, connected to a battery, switch एक लगा हुआ है, यहां पर हमारे पास एक coil एक है, इस solenoid के बिल्कुल नजदीक, हमें बताना है कि इस coil में direction of current जो है, वो क्या होगी, जब switch को आप close कर लेंगे, close करने के time, जब स्विच जो है वो ऑन ही रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, और उसके बाद जब आप स्विच को ओपन कर लेंगे तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी. जब हम स्विच को ऑन कर लेंगे तो करंट जो है वो यहां फ्लो करना स्टार्ट कर लेगी और करंट इंक्रीज होगी एट द time of closing the switch. At the time of closing the switch. So current जो है वो increase हो जाएगी to its maximum, zero to maximum, जो भी फिर इसका maximum value हो, और maximum पहुंचने के बाद ये constant रहेगी. अब करंट जो है वो यहां पर ऐसे फ्लो कर लेगी, फिर ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर, ऐसे, सो यहां पर फिर ऐसे. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल फॉर दैट. डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड जो है वो राइट वर्ड होगी. So, कुछ मैग्नेट फील्ड लाइंस मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कुछ ऐसे जाएंगे, और मैग्नेट फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो ये है. सो जब करंट इंक्रीज हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेट फील्ड लाइंस का नंबर जो होगा वो भी इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक फील्ड याद करें सोलेनोइड के अंदर जो है वो म्यू जीरो एन आई के बराबर है. जब करंट इंक्रीज होगी इनिशियली तो मैग्नेट फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेट फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज होगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा. द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग थ्रू इट, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग थ्रू इट, तो इसके अंदर करंट जो है ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स की वजह से. अब हमें बताना है कि उस करंट इंड्यूसर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी. वायर लूप जो है वो ऐसे है यहां पर. अब हमने देखा है कि इस वायर लूप में डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा करंट इंड्यूस होने की वजह से, उसकी डायरेक्शन जो है दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. तो या तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ये होगी या फिर डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ये होगी. और वो भी हमने देखा है कि पिछले सेशंस में कि जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट इज इन द अपोजिट सेंस, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा इंड्यूस डायपोल मोमेंट इज इन द सेम सेंस. सो पार्ट ए में क्या होगा, इसमें जब करंट इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो होगा वो अपोजिट सेंस में होगा. यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, वो इस सेंस में होगा. डायपोल मोमेंट इंड्यूस इज इन द अपोजिट सेंस. और अगर इस सेंस में है तो करंट जो होगी वो ऐसे होगी. राइट हैंड थंब रूल फिर से, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थंब को पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस डायपोल मोमेंट, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन ऐसे. सो पार्ट ए में जब आप स्विच को ऑन कर लेंगे करंट इस सर्किट में इंक्रीज हो जाएगी टू मैक्सिमम वैल्यू, और मैग्नेट फील्ड इंक्रीज होगा सोलेनोइड के अंदर. मैग्नेट फील्ड इंक्रीज होने की वजह से इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज होगा.
इंक्रीजिंग फ्लक्स के टाइम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप होता है इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. तो एक्सटर्नल फील्ड यू कैन सी राइट वर्ड है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट लेफ्ट वर्ड होगा. और राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम करंट की डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. पार्ट बी जो है वो आपको कह रहा है कि आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम का सिंपली मतलब होगा कि करंट जो है वो मैक्सिमम बन चुकी होगी. अब जब करंट मैक्सिमम बन चुकी होगी उसके बाद तो कॉन्स्टेंट रहेगी, और उसके बाद कॉन्स्टेंट रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा तो फील्ड लाइन डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा. और अगर फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी. इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू जीरो. फैराडेज लॉ याद करें, जब फ्लक्स चेंज होता है उस टाइम करंट इंड्यूस होती है. ओके, मैग्नेट फ्लक्स जब चेंज होता है तब जाके ईएमएफ और करंट इंड्यूस होती है. यहां पर फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा. क्यों कॉन्स्टेंट रहेगा? क्योंकि करंट कॉन्स्टेंट होगी. काफी टाइम हो चुका है, करंट कॉन्स्टेंट बन चुकी होगी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगा, फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगा, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जो है वो भी कॉन्स्टेंट होगी. पार्ट सी में अब कहा जा रहा है, At the instant the switch is opened, at the instant the switch is opened. चलिए इसको मैं यहां इरेज अप कर लेता हूं. चलिए, स्विच जो है वो ऑन रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, करंट कॉन्स्टेंट बन चुके हैं, ये मैग्नेट फील्ड कॉन्स्टेंट बन चुका है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट बन चुका है. अब जब आप स्विच को ओपन कर लेते हैं, स्विच को ओपन करने से क्या होगा, करंट जो होगी वो अपने मैक्सिमम वैल्यू जो उसका था वहां से डिक्रीज होगी टू जीरो. तो करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी डिक्रीज होगा. करंट डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेट फील्ड डिक्रीज होगा. मैग्नेट फील्ड डिक्रीज होगा तो फील्ड लाइन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएगा, तो इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. अब डिक्रीजिंग फ्लक्स के टाइम ऑब्वियसली करंट तो इंड्यूस होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? डिक्रीजिंग फ्लक्स के टाइम हमने देखा है कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो होता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड राइट वर्ड है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी राइट वर्ड होगा. और अगर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट राइट वर्ड है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी. राइट हैंड थंब रूल यूज करके करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी. इसमें करंट डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेट फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेट फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट विल बी डेवलप्ड इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड राइट वर्ड है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी राइट वर्ड होगा, तो करंट जो होगी वो ऐसे होगी जैसे कि एरो से मैंने दिखा दिया. ओके,